तो साथी आप लोगों का मैथमेटिका एंड पोएटिका में बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं KBPY 2021 के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। हमने इस तरीके के तीन अलग अलग प्रोग्राम्स स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें फर्स्ट वन एक तो है KBPY 2021 क्वेश्चन आंसर सीरीज, अगला है IIT एडवांस 2021 क्वेश्चन आंसर सीरीज, और अगला है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स क्वेश्चन आंसर सीरीज 2021। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी बीच के सब टॉपिक में कहीं दिक्कत आती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आते हैं। तो आज की जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो KBPY के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन आंसर सीरीज आप देख सकते हैं, ये ओलंपियाड या IIT एडवांस के लिए भी थोड़ा बहुत फ्रूटफुल हो सकता है, राइट? तो चलिए भाई हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इफ TN इक्वल्स GIF, ये बॉक्स लिखा हुआ n+1/2 n+2/4 n+4/8 ... जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है, देन आपको इसकी वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू n बराबर 2021 पे बतानी है, क्या होगी? That is 2018, भाई 2021 डेटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपका पेपर 2021 में ही आ रहा है। तो 2018 होगा आंसर, या 2019 होगा, या फिर 2020 होगा, या फिर 2021 होगा, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो देखो एक बहुत ही बेसिक बात मैं आपको बताऊं, तो जो बॉक्स एक्स होता है बच्चे, जो बॉक्स एक्स होता है, पहले मैं एक लाइन इसका आंसर कर दूं, ये जो सीरीज है फॉर एनी गिवन एन नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू हमेशा एन होती है। मतलब अगर आप एन की वैल्यू एक पुट करते हो तो यहाँ पे आंसर वन आएगा, एन की वैल्यू दो पुट करते हो तो यहाँ पे दो आएगा, एन की वैल्यू तीन पुट करते हो तो यहाँ पे तीन आएगा, एन की वैल्यू 2021 आपने पुट कर, मतलब आंसर जो भी है 2021 होगा। बट अब इसे मैं प्रूफ कर देता हूं। तो बच्चे बॉक्स एक्स को आप लिख सकते हैं बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1/2। अब देखो यहां पे एक्स की जगह पे इस प्लेस पे मैं एक्स बाई टू पुट कर देता हूं। तो देखो अगर यहां पे मैं एक्स बाई टू पुट करूंगा साथी, या बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडक्शन भी प्रूव कर सकते हैं इसे, राइट? कि बॉक्स एक्स कितना होता है, बॉक्स एक्स बाई टू प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1/2। अब कोई भी डिफरेंट डिफरेंट एक्स पुट करके इसे प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, राइट? तो बॉक्स एक्स बाय टू, ये होगा बॉक्स एक्स डिवाइडेड बाय फोर, मींस एक्स को एक्स बाय टू से प्रूव किया, प्लस बॉक्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर होगा मेरे लाल। अब यहाँ पे एक्स को एक्स बाय फोर से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ पे आएगा बॉक्स एक्स बाय फोर इक्वल्स बॉक्स एक्स बाय एट। वापस रिपीट करता हूं ये वाली बात, बॉक्स एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स बाय टू प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1/2 होता है। ये आप एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करके आप बाय यूजिंग इंडक्शन प्रूव कर सकते हैं, राइट? या फिर आप इसे मैथमेटिकली भी ग्राफ वगैरह की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट अभी मैं प्रूफ पे नहीं जा रहा हूं। तो ये वाली बात आप याद रख के यहां से आगे बढ़ सकते हैं, बॉक्स एक्स कितना होता है, बॉक्स एक्स बाय टू प्लस बॉक्स एक्स प्लस 1/2, जहां पे x कोई भी रियल नंबर है। तो मैंने इसी में x को x बाई टू से रिप्लेस किया तो मुझे ऐसा मिल जाएगा, फिर x बाई फोर से रिप्लेस किया तो मुझे ऐसा मिल जाएगा। तो box x plus 8 divided by 8 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इन सब को एड कर दूं तो आप देख सकते हैं, या इन टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में भेज के फिर एड करता हूं। तो चलिए भाई, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेज के ऐड करूंगा तो यहां पे ऐसा कुछ बनेगा, बॉक्स एक्स माइनस बॉक्स एक्स बाई टू, और बच्चे ये पूरी की पूरी वैल्यू बराबर हो रही है बॉक्स एक्स प्लस 1/2। ऐसे ही बॉक्स एक्स बाई टू माइनस बॉक्स एक्स बाई फोर बॉक्स एक्स प्लस 2/4 बॉक्स एक्स बाई फोर माइनस बॉक्स एक्स बाई एट बॉक्स
इन सबको आप ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड कर दो, ये सब कट जाएंगे। यानी आप देख सकते हैं बच्चे, ये पूरा का पूरा एडिशन, ये पूरा का पूरा एडिशन, यानी बॉक्स एक्स प्लस वन बाई टू प्लस बॉक्स एक्स प्लस टू बाई फोर सिमिलरली अप टू, आप आगे तक जा सकते हैं जो भी आपने एन की वैल्यू ले रखी है उसके अकॉर्डिंग। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू बच्चों किसके बराबर आएगी, बॉक्स एक्स के बराबर आएगी। यानी ये एन प्लस वन बाई टू का बॉक्स, एन प्लस टू बाई फोर का बॉक्स, एन प्लस फोर बाई एट का बॉक्स, ये पूरा का पूरा समेशन कितना होता है, एन होता है। तो जो बच्चे नॉर्मली नाइन्थ या टेंथ से ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, उनको ये बेसिक आइडियाज वहां पता चल जाते हैं। इस बात का ध्यान रहे कि केवीपीवाई जो एसए का पेपर होता है, उसमें जो आपके पीआरएमओ जो पहले हुआ करता था, या फिर जो इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स का पेपर होता है, तो उस स्तर के भी सवाल देखने को मिलते हैं। आपको ये सब बातें पता होनी चाहिए वहां पर, राइट। तो साथ ही ये वाली बात आप याद भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई, 2021 हो सकता है, ऐसा कुछ सवाल पूछ लिया जाए तो अपने लिए फुल टॉस बन जाएगा उस टाइम पर, भाई सिक्स मारने। चलिए अगले सवाल पे आते हैं लाल। यहाँ पे बॉक्स एक्स प्लस बॉक्स टू एक्स प्लस बॉक्स फोर एक्स प्लस बॉक्स एट एक्स प्लस बॉक्स सिक्सटीन एक्स प्लस बॉक्स थर्टी टू एक्स इक्वल टू वन टू थ्री फोर फाइव लिखा हुआ है, और देन यू हैव टू कमेंट देयर एक्सेस एक्जैक्टली वन एक्स टू एक्स इनफाइनाइटली मेनी एक्स और नो एक्स। तो कैसे इनसे डीलिंग करी जाए, तो देखो मैं एक बहुत बेसिक बात अगर आपको बताऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो बच्चे जो x होता है वो gif x होता है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x आता है साथ, राइट, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x आता है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, मीन्स x की जगह पे क्या पुट कर दीजिए आप, बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा पुट कर दीजिए। या अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो आप x इक्वल टू ऐसे पुट कर दीजिए, i प्लस f, where f is proper fraction, तो f की जो वैल्यू है बच्चे वो 0 से 1 के बीच में होगी। तो अगर आपको फ्रैक्शनल पार्ट या बॉक्स पे ढेर सारे सवाल करने, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इस पे बहुत सेपरेट सा वीडियो बना दूंगा ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ, इनइक्वालिटीज वगैरह सब मर्ज करते हुए। चलिए भाई, तो बॉक्स x बॉक्स 2x ये लिखा हुआ है, तो अब यहां पे i प्लस f मैं पुट करता हूं। तो जैसे मैं i प्लस f पुट करूंगा, तो i तो सब में से बाहर आ जाएगा, क्योंकि भाई बॉक्स की प्रॉपर्टी होती है कि बॉक्स x प्लस माइनस m को मेरे बच्चे आप लिख सकते हैं बॉक्स x प्लस माइनस m, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, राइट। तो मेरे बच्चे यहां पे जो बॉक्स x है, x की जगह पे i प्लस f आप लिख दो, यानी बॉक्स i प्लस f प्लस फिर बॉक्स 2x लिखा हुआ है, यानी 2i प्लस 2f आएगा लाल, प्लस इसके बाद 4i प्लस 4f, 4i प्लस 4f, इसके बाद सिमिलरली बॉक्स में 8i प्लस 8f प्लस 16i प्लस 16f, प्लस 32i प्लस 32f। और बच्चे ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी के थ्रू मैं ये कह सकता हूं भाई i 2i 4i 8i 16i 32i ये बॉक्स से बाहर आएंगे, हाँ है ना, बिल्कुल आएंगे लाल, ठीक है। तो इसको बाहर कर लेते हैं, तो यानी ये सब बाहर आ गए, i प्लस 2i प्लस 4i प्लस 8i प्लस 16i प्लस 32i, और बच्चे प्लस में क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारे लिख लेते हैं, बॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस बॉक्स ऑफ 2f प्लस बॉक्स ऑफ 4f, ऐसे ही बॉक्स ऑफ
16F आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी वैल्यू किसके बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम बेहतर रिजल्ट की तरफ आने वाले हैं। यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर सारे आई को आप ऐड करते हो तो 63i आ जाएगा, प्लस यहां पे जो लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बॉक्स एफ प्लस बॉक्स 2f प्लस बॉक्स 4f प्लस बॉक्स 8f प्लस बॉक्स 16f, मैं सारे लिख दे रहा हूं, प्लस बॉक्स 32f। ये वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 के बराबर है, 1, 2, 3, 4, 5 के बराबर है लाल। अब देखिए यहां पे मामला हो चुका है बहुत आसान, इतने आप इंटीजर में इतने सारे फ्रैक्शंस जोड़ रहे हैं, वैल्यू इंटीजर आ रही है, तो भाई ये सारे फ्रैक्शंस क्या होने चाहिए, ये भी इंटीजर होने चाहिए। बताइए भाई ये बात सही है गलत? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो पूरा का पूरा टर्म लिखा हुआ है एफ से 32F तक, अगर इसको मैं डेल्टा मान लूं, यानी डेल्टा बराबर क्या है, बॉक्स एफ प्लस 2F प्लस बॉक्स 4F 8F 16F 32F, तो बच्चे मैं डेल्टा की कम से कम वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, ये जरा बताइए। डेल्टा की बच्चे मैं कम से कम वैल्यू कितनी लिख सकता हूं, ये जरा बताइए। तो लाल डेल्टा की जो कम से कम वैल्यू आएगी वो जीरो आएगी, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का बॉक्स लगा हुआ है, और फ्रैक्शनल पार्ट जो भी है, जब भी ये सारे बॉक्स के अंदर वाली क्वांटिटी जीरो से वन के बीच की हो जाएंगी, राइट, तो वैसे केस में उनका बॉक्स क्या आएगा, जीरो आएगा। मिनिमम तो सभी जीरो की तरफ जा सकते हैं भाई, हो सकता है कि एफ की वैल्यू 0.00000001 के ऑर्डर की रही हो, तो ये सारे बॉक्स जीरो हो जाएंगे लाल, यानी जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता, राइट। अगर मैं मैक्स की बात करूं, तो मैक्स पे चर्चा करने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि अगर कभी भी आपके पास ऐसा लिखा हुआ है सम एन एफ और ये बॉक्स लगाया हुआ बाहर, इसका मैक्सिमा पूछा जाए, तो बच्चे इसका मैक्सिमा हमेशा आता है एन माइनस वन। क्या आता है? एन माइनस वन। जैसे अगर मैं कहूं कि मेरे पास 2f है, f 0 से, तो यानी 2f 0 से 2 में जाएगा, तो बॉक्स 2f की जो ज्यादा से ज्यादा वैल्यू आ रही, कितनी आ रही है इसमें, एक ही तो हो सकता है भाई, आप सही बोल रहे हैं, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही हो सकती है। तो बच्चे अब इन सब की जो भी है, आप अगर मैक्सिमम वैल्यू रखते हैं, तो ये तो भाई एन माइनस वन करेंगे तो यहां पे 1-0 पे जाएगा, तो अब इसको मैं लिखता हूं यहां पे, यानी मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिख के देख लेता हूं क्या कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। बोलो सर मैक्सिमम क्यों मिल रहा है, मैक्सिमम ही क्यों पुट करना है, इसका आइडिया लगा लेते हैं। अगर मैक्सिमम पुट करते हैं तो देख लेते हैं क्या आई की कोई वैल्यू आ रही है, एक बार मिनिमम पुट करके देख लेते हैं। सवाल उठता है सर मैक्सिमम और मिनिमम ही क्यों, बीच का भी तो कुछ हो सकता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का। तो देखो इसको समझने के लिए काम करते हैं, यहां पे 63i इक्वल टू इतने सारे फ्रैक्शंस का GIF ऐड करके 1, 2, 3, 4, 5 के बराबर किया हुआ है, तो इसको आप 63 इंटू सम इंटीजर लिख लो राइट हैंड साइड को, राइट भाई यहां पे 63i है, इसको भी 63 इंटू सम इंटीजर लिख लो, ये ज्यादा अच्छा तरीका हो जाएगा, फिर समझना आसान हो जाएगा। यानी लाल ये हो जाएगा 63 इंटू 195 और प्लस 60, तो यानी जो आई आया, अगर मैं कंपेयर करूं भाई, यही तो अपने पास ऑप्शन है, 63 इंटू आई था तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया, तो यानी जो आई की वैल्यू होगी इसके अकॉर्डिंग वो तो 195 होनी चाहिए। तो अब जो डेल्टा है, डेल्टा शुड बी, डेल्टा क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए, राइट तो देख लेते हैं क्या डेल्टा कभी 60 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, किसी एफ के लिए अगर हो पाए तो अच्छी बात है। तो अगर मैं यहां पे सबकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूं, ध्यान दीजिएगा आप यहां पे, अगर मैं यहां पे सबकी मैक्सिमम वैल्यू पुट करूं, ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से छोटा आ जा रहा है,
तो देखो बच्चे बॉक्स एफ तो जीरो हो जाएगा, टू एफ एन माइनस वन यानी टू माइनस वन होगा, फोर एफ तो फोर माइनस वन होगा, एट एफ का बॉक्स एट माइनस वन होगा, अगला सिक्सटीन माइनस वन, अगला थर्टी टू माइनस वन, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो वन प्लस थ्री प्लस सेवन प्लस फिफ्टीन प्लस थर्टी वन, तो अगर आप इसको ऐड करते हैं तो यहां से 57 आ रहे हैं। अरे भाई ये तो ज्यादा से ज्यादा 57 होता है, 60 तक कभी ये पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो यानी ये वाला समेशन कभी 60 नहीं हो सकता है, मतलब ऐसा कोई f एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब ऐसा कोई जब f नहीं है तो ऐसा कोई x नहीं हो सकता, क्योंकि x ही क्या था अपना i प्लस f था। ये बात समझ आई? तो बच्चा इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।